Configuration management actually is the methodology to control and manage a software development project. ये इसकी छोटी सी small definition है, ठीक है जी। इसके बाद मैं next move करता हूँ। ये देखें जी, phases हैं आपके। आपने development जिसमें पूरे project में आपके requirement, design, implementation, you know, testing वगैरह से लेके implementation तक सारी की सारी चीजें development phase में आप आ गई। आपने first release किया, ठीक है। आप देखें timeline आपकी चल रही है, ये दिस वन, ये चीज आपकी टाइमलाइन चल रही है। लेकिन इसके बाद जब मेंटेनेंस का पार्ट आया, दिस वन, इट मींस कि देयर इज अ चेंज। जो आपने डेवलप किया प्रोजेक्ट, यहाँ मेंटेनेंस में डेफिनेटली यूजर के हवाले से, यूजर रिक्वायरमेंट के हवाले से या आपके अपने हवाले से, देयर आर सम वेरिएशंस। डेफिनेटली जब आपको क्लाइंट कहता है कि यार मुझे इसमें तब्दीली चाहिए या ये चीज मुझे ऐसे चाहिए, तो ओवर द टाइम, ठीक है, आप क्या करते हैं उसको, आप उसकी मेंटेनेंस करते हैं, आप उसमें चेंजेस लेके आते हैं। और ये फैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होती है आपको। सो दिस इज द फेज एंड दिस इज मेंटेनेंस ओवर देयर। ये आपका टाइम पीरियड में मेंटेनेंस हो रही है, टाइम स्केल आपका मूव ऑन जी। उसके बाद तो फिर इसको इस हवाले से मजीद मैं इसको फोकस कर रहा हूँ, इस डेफिनेशन को। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एनकंपासेस द डिसिप्लिन्स एंड टेक्निक्स ऑफ इनिशिएटिंग, एवेल्युएटिंग एंड कंट्रोलिंग चेंज तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। ना सिर्फ इनिशिएट करना है, एवेल्युएट भी करना है और कंट्रोल भी करना है चेंज तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। पूरे इस पूरे प्रोसेस में इनिशिएट करना है, एवेल्युएट करना है, कंट्रोल करना है चेंजेस को। ये आपकी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। इसके दो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, IEEE 828 एंड IEEE 1042। IEEE 828 कहता है जी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान्स, एंड नंबर टू IEEE 1042 ये कहता है गाइड टू सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ये दो स्टेप्स, ये दो स्टैंडर्ड्स हैं, राइट। नेक्स्ट मूव करता हूँ जी मैं। नीड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू, व्हाई, टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर, नंबर टू, एंड टू कंट्रोल एक्सेस एंड चेंजेस टू पार्ट्स। वही जो पार्ट्स में आपने जिनको कंट्रोल करना है, उसकी चेंजेस को आपने मेंटेन करना है, नंबर थ्री, और आपने हेल्प भी प्रोवाइड करनी है, क्या, टू हेल्प कंट्रोल प्रोडक्ट इंटीग्रेशन। प्रोडक्ट इंटीग्रेशन डेफिनेटली जब आप मॉड्यूल डेवलप करते हैं सेपरेट, आपने लास्ट में इसको इंटीग्रेट भी करना है, तो आपने ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को कंट्रोल करना है कि जब आपने प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना है तो आपको मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम ना हो। एंड टू मीट ISO एंड CMM स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और CMM स्टैंडर्ड्स को भी मीट करता हो। मेन फंक्शन क्या है जी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के, CM के, कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन करना, कंट्रोल करना, ऑडिटिंग करना और उसकी स्टेटस अकाउंटिंग करना। अगर ये प्रॉपरली डन हो जाए तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आपकी इनविजिबल हो जाती है। एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में मिस्टेक्स हैं, ये भी आपकी विजिबल हैं, ये भी आ सकती हैं, उनको भी डील किया जा सकता है जी। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के गोल्स क्या हैं? कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल, स्टेटस अकाउंटिंग, रिव्यू, बिल्ड मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड टीम वर्क। इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक क्लाइंट की इसको आप देख लेंगे, इसमें मजीद में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है जी। ये आप देख लेंगे, ये आप प्लीज आना। मैंने कम टू द पॉइंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के रोल्स क्या हैं जी? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्या करता है? ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स। कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स मेरे पास कौन से हैं जिनकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन या चेंज पॉसिबल होगी। The configuration manager can also be responsible for defining the procedures for creating promotions and releases. जो मैंने इसके different version release करने हैं या promotion मैंने create करनी है, उसके लिए मैंने कौन कौन से procedures को सामने ला के रखना है। Number two, change control board member. इसको भी करेंगे responsible for approving or rejecting change request. ये इसका responsible भी होगा। Developer creates promotion triggered by change request or the normal activities of development. ये आपके promotion को trigger करता है, जिसकी request आती है change करने के लिए, जो आपकी normal activities को development करने के लिए ज़रूरी होती हैं, जिसमें आपका let's say हो सकता है कि आपका जो project supervisor, system analyst है या configuration manager है, उसने आपको provide किया हुआ developer को, ठीक है। तो क्या करता है, the developer checks in changes and resolves conflicts. तो changes को tackle करता है और conflicts को resolve करता है। ऑडिटर क्या करता है? ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन एंड इवेल्यूशन ऑफ प्रमोशंस। इसने एवेल्यूएट करना है, सिलेक्ट करना है,
प्रमोशंस को फॉर उस रिलीज के लिए एंड फॉर इंश्योरिंग क्या इंश्योर करना है द कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ दिस रिलीज यस विद एवरी एस्पेक्ट द प्रोडक्ट कह लें कि उसका जो ना आइडेंटिफिकेशन या कह लें कि जो ऑडिटिंग है वो कंप्लीट है इस मॉड्यूल की या उस रिलीज की जी कॉन्फ़िगरेशन में आइडेंटिफिकेशन की तरफ मूव करता हूं मैं इसमें आएंगे टर्मिनोलॉजी कॉन्फ़िगरेशन आइटम सीआई जिसको कहा जाता है कॉन्फ़िगरेशन वर्जन और बेसलाइन ये वन इसको डिस्कस करता हूं मैं कॉन्फ़िगरेशन आइटम क्या चीज है अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर या डॉक्यूमेंट या पीस ऑफ हार्डवेयर और वर्क प्रोडक्ट देखें सारी इसमें से एक पार्ट हो सकता है पीस ऑफ सॉफ्टवेयर या डॉक्यूमेंट या हार्डवेयर का पीस या वर्क प्रोडक्ट विच इज सब्जेक्ट टू चेंज ये कॉन्फ़िगरेशन आइटम कहलाएगा ठीक है ऑलमोस्ट एनीथिंग कैन बी अ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम तकरीबन हर चीज हो सकती है इसमें हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स आर थिंग्स वी वांट टू कीप ट्रैक ऑफ एंड कंट्रोल ये वो चीजें हैं जो वो तमाम की तमाम चीजें इसमें मैं लेके आऊंगा स्पेशली जिनको आपने कंट्रोल करना है जो आपकी वेरिएशन में इन्वॉल्व होंगी या जो चेंजेस में इन्वॉल्व होंगी एग्जाम्पल आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बता चुका हूँ मैं आपको डिजाइन डॉक्यूमेंट होगा सॉफ्टवेयर कोड हो सकता है कोई आपकी डाटा फाइल हो सकती है कोई आपके टूल हो सकते हैं कंपाइलर डीबगर जिसमें आ जाते हैं एप्लीकेशन जनरेटर आपके ठीक है या क्या पूरे के पूरे आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जी कॉन्फ़िगरेशन आइटम सीआई कॉन्फ़िगरेशन आइटम क्या है एन एग्रीगेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बोथ दैट इज डेजिग्नेटेड फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी इन द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इना भी करना हो तो पीछे वाली डेफिनेशन भी ठीक है Software configuration items are not only program code segments, but all types of documents according to development. For example, tamam ki tamam code files, drivers for test, analysis or design documents, user or development manuals, system configuration. Ye piche wali baat dobara aa gayi, main aage chalta hu. Ji. Which of these entities should be configuration items? Dekhen ye entities aapko nazar aa rahi hai, list bani hui hai, maine banayi hui hai. आपको क्या लगता है ये इनमें से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आइटम होनी चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान ठीक है रेड आपका एसडीडी ओडीडी डायनेमिक मॉडल प्रोजेक्ट मॉडल फंक्शनल मॉडल यूनिट टेस्ट सोर्स कोड एपीआई स्पेसिफिकेशन इनमें से क्या होनी चाहिए इस पर जरा सोचिएगा ठीक है वंस द कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स आप लेट्स से आप यार सारे के सारे मैंने इसको पार्ट बना सकता हूँ मेरे इस्तेमाल होंगे कॉन्फ़िगरेशन में यस यू कैन आल्सो टेक ऑल ऑफ दिस बट वन बाय वन वंस द कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स आर सिलेक्टेड यस में से आप चूज भी कर सकते हैं वंस द कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स आर सिलेक्टेड दे आर यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड इन अ ट्री ये देखें जो जो चीजें आपने लेनी है ना उस लिस्ट में से उनका आपने उन आइटम्स का ट्री तैयार कर लेना एग्जाम्पल दी हुई है यह द प्रोजेक्ट आपके कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं ये मॉडल्स हैं इसमें ऑब्जेक्ट मॉडल और डायनेमिक मॉडल है सब सिस्टम्स में डेटाबेस ठीक है यूजर इंटरफेस डॉक्यूमेंट्स में आपके आरएडी और ओडीडी रिक्वायरमेंट एनालिसिस डॉक्यूमेंट और ऑब्जेक्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट यूजर इंटरफेस में आपका कोड है डाटा है और यूनिट टेस्ट ये आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट में आपने दो दिन का आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी वो है ठीक है आपने बना लिया उस लिस्ट में से आपने निकाले और उसको आपने ट्री शेप दे देनी है ठीक है वर्जन क्या है इसकी टर्मिनोलॉजी देख लीजिएगा कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन आइटम वर्जन क्या है एन इनिशियल रिलीज और री रिलीज ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन आइटम कॉन्फ़िगरेशन आइटम की रिलीज की बात हो रही है दैट इज एसोसिएटेड विद अ कंप्लीट कंपाइलेशन और रीकंपाइलेशन ऑफ आइटम जिसका ताल्लुक किससे आपकी कंप्लीट कंपाइलेशन से या रीकंपाइलेशन से उस आइटम की उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक आइटम की बात कर रहा हूँ उस सीआई की बात कर रहा हूँ डिफरेंट वर्जन हैव डिफरेंट फंक्शनैलिटी ठीक है और आप किसी जो है कॉन्फ़िगरेशन आइटम का कोई इंस्टेंस भी ले सकते हैं कोई एरिया बिठा सकते हैं रिवीजन क्या है चेंज टू अ वर्जन उस वर्जन में चेंज दैट करेक्ट्स ओनली एरर्स जो सिर्फ एरर्स को करेक्ट करता है इन द डिजाइन या कोड में ये कुछ टर्मिनोलॉजी इसलिए बता रहा हूँ जो आपकी इसमें इस्तेमाल होती है कॉन्फ़िगरेशन बट इट डज नॉट अफेक्ट द डॉक्यूमेंटेड फंक्शनैलिटी पूरे डॉक्यूमेंट की फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा सिर्फ डिजाइन या कोड एरर्स को हम रिवीजन में लेके आएंगे रिलीज क्या है द फॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन अप्रूव्ड वर्जन डेफिनेटली आपने देखा होगा ना यार ये इसका रिलीज हुआ है वर्जन ये इसका बीटा वर्जन है क्या होता है एक्चुअली ये फॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है आपकी अप्रूव्ड वर्जन की राइट इसको आप रिलीज का नाम देते हैं
कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट ऑफ सॉफ्टवेयर एट सर्टेन टाइम, हाँ ये भी जरूरी है. वेरियस सीएलएस ईच इन अ सर्टेन वर्जन, ठीक है. सेम सॉरी सीआईस, वेरियस सीआईस कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स बहुत सारे होते हैं आपके सर्टेन वर्जन में. सेम कॉन्फ़िगरेशन आइटम मे अपीयर इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, आपका एक ही आइटम ना डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में अपीयर भी हो सकता है. और तमाम और ऑल्सो कॉन्फ़िगरेशन हैज वर्जन, कॉन्फ़िगरेशन के भी डिफरेंट वर्जन होते हैं. फॉर एग्जांपल सिस्टम 1.0, मैं कहता हूँ कॉन्फ़िगरेशन 1.0, ठीक है. ये आप देखें, ये आपको फिगर नजर आ रही है, इसमें प्रोटो 1 एक मॉड्यूल, उसका सब सिस्टम 1 सब सिस्टम 2 लिया, उसके आगे वर्जन ले रहा हूँ, कंपोनेंट आइटम्स ले रहा हूँ, जीआई और डॉक. जीयूआई के वर्जन जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जो फाइल है उसके मैं आदम फाइल के वर्जन दिखा रहा हूँ. फाइल 2.c 1.0, 2.c 2.0, 2.c 2.1. और सिस्टम 1.1 की मैं क्या रख रहा हूँ, फाइल 2.c, ठीक है, जिसका ताल्लुक आपके इससे भी है. रीड भी 1.1 में इसमें दोनों की कॉन्फ़िगरेशन इस हवाले से और इस हवाले से उसकी मैनुअल पड़ा होगा इसमें, देखिए रिलेट कर रहा है ना. इसलिए मैंने कहा कि सेम सी आई मे अपियर इन द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में सेम सी आई अपियर हो सकते हैं. ये रीड मी इसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ये इसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, दो साइड्स पे अपियर हो सकते हैं. बेसलाइन क्या है, बेसलाइन एक स्पेसिफिकेशन है और प्रोडक्ट दैट हैज बीन फॉर्मली रिव्यूड एंड एग्रीड टू बाय रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, जिस पे एग्री हुए रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, दैट देयर आफ्टर बाद में सर्व्स एज द बेसिस फॉर फर्दर डेवलपमेंट, जो आपकी बेस बन जाती है, बुनियाद बन जाती है डेवलपमेंट के लिए. एंड कैन बी चेंज ओनली थ्रू फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसीजर, अगर आप उसमें आपने चेंज करना है तो आप प्रोसेस को आप अडॉप्ट करेंगे फिर आप चेंज कर सकते हैं. ये आपकी बेस लाइन है, ये आपकी ऐसी स्पेसिफिकेशन या प्रोडक्ट है, हम बेसलाइन प्रोडक्ट या बेसलाइन स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है. दैट हैज बीन फॉर्मली रिव्यूड एंड एग्रीड टू बाय रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, देयर आफ्टर सर्व्स एज अ बेसिस फॉर फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है. कॉन्फ़िगरेशन इन स्टेबल फ्रोजन फॉर्म क्या है, ठीक है, चीज है. नॉट ऑल कॉन्फ़िगरेशन आर बेसलाइन, तमाम की तमाम याद रखिएगा आपकी कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन, जरूरी नहीं कि बेसलाइन होंगी, वो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट ही होंगी. जरूरी नहीं है कि रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ने आपकी इसको प्रूव किया होगा, नहीं, तमाम कॉन्फ़िगरेशन आपकी बेसलाइन नहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं, कुछ अनदेख होंगी. एनी फर्दर चेंज या डेवलपमेंट विल प्रोड्यूस न्यू वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स विल नॉट मॉडिफाई बेसलाइन. हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कि आपकी जो फर्दर डेवलपमेंट है या चेंज है जिससे आप नया वर्जन या नया रिलीज करने जा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स की, सिर्फ वो आपकी बेस लाइन को मॉडिफाई नहीं करेगी, जो बेस लाइन डिपेंडेंट है आपके पूरे प्रोजेक्ट लाइन पे. अब बेस लाइन की भी आगे टाइप्स हैं, डेवलपमेंट बेस लाइन, फंक्शनल बेस लाइन और प्रोडक्ट बेस लाइन है. डेवलपमेंट बेस लाइन क्या है, जिसकी एग्जाम्पल है SRD और SSDD है. गोल कोऑर्डिनेट इंजीनियरिंग एक्टिविटीज, इसमें इंजीनियरिंग एक्टिविटीज आएंगी. फंक्शनल बेस लाइन में क्या आएंगी, फर्स्ट कस्टमर एक्सपीरियंस, जो आपका फंक्शनल सिस्टम है फर्स्ट कस्टमर एक्सपीरियंस आएगा, वो हम कहेंगे फंक्शनल बेस लाइन. प्रोडक्ट बेस लाइन क्या है, प्रोडक्ट फॉर डिलीवरी. कोऑर्डिनेट सेल्स एंड कस्टमर सपोर्ट, सेल्स आफ्टर सपोर्ट, आपने किया ना कि आफ्टर सेल्स सपोर्ट जो होती है, जिस तरह किसी प्रोडक्ट की सपोर्ट देंगे आपको 3 माह के लिए, 4 माह के लिए, आपके प्रोडक्ट में किसी किस्म का एरर आता है, कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो हम इसकी मैनेजमेंट करेंगे जी. एग्जांपल आप देखिए, कॉन्फ़िगरेशन 2 है, कॉन्फ़िगरेशन 1 है, आपके पास क्लास ए 1.0 है, क्लास बी 1.0 है. कॉन्फ़िगरेशन 2 में क्लास ए 1.1 है और क्लास बी 1.1 है, ठीक है. कॉन्फ़िगरेशन 3 आपकी ये नीचे क्लास बी 1.1 और 1.3 कॉन्फ़िगरेशन आपकी आ रही है. क्लास 3 जो है ना उसको मैंने कहा ये बेसलाइन है. किसका बेसलाइन है, ये आपका कंबाइंड मिलेगी आपके कॉन्फ़िगरेशन 1 और कॉन्फ़िगरेशन 2 के जो आपके मॉड्यूल्स हैं उनमें से आप उसके जो कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं उनको आप इंटेग्रेट कर सकते हैं, दोनों को मिला देंगे तो कॉन्फ़िगरेशन 3 में आपके पास बेसलाइन आ जाएगी. लेकिन याद रखिएगा तमाम की तमाम कॉन्फ़िगरेशन आइटम आपकी बेसलाइन नहीं हो सकती. चंद एक ये कॉन्फ़िगरेशन 1 और 2 ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं या सेम ही हैं? ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जी, क्योंकि क्लास ए 1.0 और क्लास ए 1.1 क्लास उनकी सेम है, ठीक है,
उनका जो मेन क्लास है ना वो सेम है, लेकिन जो आपके वर्जन है ना कॉन्फ़िगरेशन आइटम के हवाले से वो डिफरेंट है, एक का 1.0 है और एक का 1.1 है, तभी हमारी बेसलाइन बनेगी ना, तभी यू नो दैट। ठीक है, नीचे आपके कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स जी, कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स सारे आपके ठीक है नजर आ रहे हैं ना आपको, जिनके अगेंस्ट वर्जन नंबर दिए हैं जी। कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन ये क्या चीज है? It is actually the process of breaking a system down into a number of known and manageable parts. I repeat once again, system को break करना है आपने known manageable parts में, configuration items में भी, ये मतलब हो गया ना CIs में break करना है। Number two, and labeling software and hardware configuration items with unique identifiers, उनके label लगा देने। Number three, identifying the documentation that describes a configuration, और हर उस CI के लिए आपने specify कर देनी है, document तैयार कर देना है कि ये इस CI के लिए है। उसके बाद grouping करनी है आपने related configuration items की baseline के लिए, baseline बनानी है। उसके बाद labeling करनी है, labeling revisions to configuration items and baseline, revisions के लिए भी और बेसलाइन के लिए भी, आपने उनके लिए भी लेबलिंग करनी है जिस तरह आपने ग्रुपिंग की थी जी। अब इसके अंदर फॉलोइंग टेबल शो हाउ अ यूनिक नंबर इज डेवलप्ड फॉर ईच प्रोडक्ट सीआई, जस्ट लाइक फील्ड नंबर पर कंफिगरेशन आइटम है टाइप आइडेंटिफायर, ठीक है उसको मैं लेट्स से मैं अपनी मर्जी से नंबरिंग करता हूं, पोजीशन 1 2 कहता हूं या आप अपनी मर्जी से पोजीशन लगा दो। फॉर एग्जांपल इसकी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सिस डू, ये कमांड्स आपकी आ जाएंगी, ये या आपके प्रोडक्ट पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन आइटम नंबर ये मैं फील्ड लिख दे रहा हूं, पोजीशन में सेट कर रहा हूं, उसके लिए फोल्ड लोकेशन यूनिक आइडेंटिफायर लगा रहा हूं, सॉरी यूनिक कहने का नंबरिंग कर रहा हूं उसकी 3 to 5, उसकी एग्जांपल लेट्स से 1 2 3, कॉन्फ़िगरेशन आइटम नंबर 1 2 3 होगा ना। टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आइटम की मैं लिखना कहता हूं, फॉर एग्जांपल पोजीशन सेट टाइप है उसकी, वो वर्जन वो V01 है, ठीक है। इसको मैं कंटिन्यू करता हूं, इस तरह डेरिवेशन हिस्ट्री की क्या, रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस अप्लाइड टू अ डॉक्यूमेंट और कोड कंपोनेंट, आपने रिकॉर्ड रखना है जो आपने चेंज किए, रिकॉर्ड से मुराद है जो आपने टेबल बनाना है ना इसका सीआई इसका, ठीक है। और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का आपने यूनिक जब आपने डिजाइन करना है तो उसका रिकॉर्ड टैग रखना है आपने, जिस इस डॉक्यूमेंट को आप असाइन करते जाएंगे, जिस इस कंपोनेंट को आप कीप, यू शुड कीप ट्रैक ऑफ दिस, you should record in outline the change made, the rationale for the change, who made the change and when it was implemented, like I said, implemented. ye configuration item tha, ye iska number tha, ye iska name tha, isko is person ne is date pe is time pe change kiya tha aur ye is waqt implement hui thi, ye application aapne outline record karni hai. isko chhod dein aap, ये कमेंट की बात की भी, इसको आप ऐसे कंपोनेंट देखा ना, ये कमेंट बताया मैं कि इस बंदे ने मॉडिफाई किया था, ये डेट थी, ये जो मैंने ऊपर बात की है, ये देखें इसका एरर चेंज हुआ था, ये डेट थी, मॉडिफाइड डेट थी, ये न्यू फील्ड थी, ये ठीक है सारा कुछ इसमें कमेंट्स दिए हैं, दे सकते हैं आपकी मर्जी और अगर आपको कॉमेंट देना तो दे दें। वर्जन आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसका मतलब प्रोसीजर्स फॉर वर्जन आइडेंटिफिकेशन शुड डिफाइन एन अनएम्बिगुअस वे ऑफ आइडेंटिफाइंग कॉम्पोनेंट, वर्जन की बात हो रही है, वर्जन की पहचान से मुराद है कि कॉम्पोनेंट का वर्जन कौन सा है उसकी पहचान करना, जो पहचान अनएम्बिगुअस हो, जिसमें कोई शक और शुबा नहीं हो। बेसिक टेक्निक्स फॉर कॉम्पोनेंट आइडेंटिफिकेशन क्या है, वर्जन नंबरिंग कर लो या फिर जी ये रनिंग आउट ऑफ टाइम हो रहा है यार, बाकी आप देख लो आसान चीज़ें या मैं करवा दूँ आगे, 10 स्लाइड्स रह गई हैं, बताएं मुझे स्टूडेंट्स। हेलो सर, 20 रहती हैं बाकी कल कर लेंगे, चलें ऐसे कर लेते हैं, ठीक है सर, ठीक है, चले मैं इसको ना स्टॉप कर रहा हूँ, फिर इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूँ ना, ठीक है, ठीक है सर, आप इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा टाइम कल भी लगा लेंगे, ठीक है जी सर, आज स्टूडेंट भी कम है ना वैसे भी, हाँ कल कोई बात नहीं, कल आधा 20-25 मिनट और लगेंगे दोबारा, ठीक है कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे रिमाइंड करवा देना ये डे टाइम में 1-2 बजे करीब, ठीक है, ठीक है सर, चलें थैंक यू वेरी मच, मैं इसको स्टॉप करता हूँ।